सो हेलो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम वायरल फ्रेम फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा इन स्नैप सीड स्टेप बाय स्टेप। सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। एंड वीडियो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी नॉर्मल फोटो को ओपन करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। एंड फिर यहाँ देखिए आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको फिफ्थ नंबर वाला ये वाला प्रीसेट यूज़ करना है। प्रीसेट अभी यूज़ हो रहा है, इस पर अप्लाई कर दिया हमने। एंड ये देखिए अप्लाई हो चुका है, यहाँ से आपको डन कर देना है। फिर यहाँ जाना है व्यू एडिट पर एंड ये रहा कर्व वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे क्लिक करोगे सो ये आ जाएगा। एंड फिर आपको इसे यहाँ पर 50 रख देना है एंड खाली फेस पर एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर इरेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको डन कर देना है एंड यहाँ से बैक आ जाना है आपको। अभी देखिए आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो, कितनी अमेजिंग पिक लग रही है। फिर जाना आप पेंसिल में एंड यहाँ से सेलेक्टिव में एंड इसे लाकर आपको रखना अपने फेस के ऊपर। एंड इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा के कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम एंड ये नीचे वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ओके फिर यहाँ से आपको डन कर देना है। फिर से जाना है पेंसिल में, यहाँ से आपको नीचे आना है डबल एक्सपोजर पर एंड फिर यहाँ से आपको एक फ्रेम का पीएनजी ऐड करना है, ठीक। ओके सो यहाँ से आपको इस फ्रेम के पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पर रखना आपको, इसे यहाँ पर रख देना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर। एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना एड एंड इसकी ओपेसिटी को आप अपने अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको इतना रख दिया है एंड यहाँ से आपको डन कर देना है। ओके सो डन करने के बाद आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। एंड फिर यहाँ जाना है फिर से पेंसिल में एंड अगेन आपको यहाँ पर डबल एक्सपोजर एंड एड एंड इसी फ्रेम पीएनजी को फिर से आपको ऐड कर। ओके सो ये आ चुका अगेन हमारा फ्रेम वाला पीएनजी एंड इसको रखना अपने हाथ के पास इस तरीके से। आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से देख लेना, मेरी फ़ोटो कुछ इस तरीके से है एंड इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पर रखने के बाद इसका ओपेसिटी आप अपने हिसाब से रख लेना, यहाँ पर इतनी रख लेना एंड यहाँ से आपको डन कर देना है। फिर से जाना पेंसिल में एंड यहाँ से आपको ब्लैक एंड वाइट एक ऑप्शन मिल जाता है, ले आना है इसको। एंड फिर यहाँ डार्क वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट नॉर्मल एंड दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा, ठीक है। आपको चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड जो अभी आना थ्री डॉट पे एंड जो ब्राइटनेस ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस को आपको थोड़ा कम। फिर ये ना जो कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए एंड ग्रेन अमाउंट है इसको थोड़ा सा बढ़ा कर यहाँ से आपको इसे डन कर देना है। एंड डन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है व्यू एडिट एंड ये ब्लैक एंड वाइट ही आ चुका एंड इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। एंड जो फ्रेम के अंदर का एरिया है, इन दोनों फ्रेम के अंदर के एरिए को आपको इरेज कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फ्रेम के अंदर का एरिया को इरेज कर दिया है, फिर यहाँ से आपको डन कर देना है एंड यहाँ आपको बैक आ जाना है। ओके एंड फिर जाना है पेंसिल में एंड यहाँ से पोर्ट्रेट एंड फेस लाइटिंग को आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेना है एंड स्किन स्मूथ को थोड़ा सा बढ़ाकर आइज क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए एंड यहाँ से डन कर देना है। फिर से जाना है पेंसिल में डबल एक्सपोजर, यहाँ से आपको एक लाइट पीएनजी को ऐड करना है एड इमेज से। ओके सो ये आ चुका लाइट का पीएनजी एंड इसको रखना है यहाँ पर जो दूसरी वाली फ्रेम है इसके कोने पर लाकर इस तरीके से रख देना है एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना एड एंड इसकी ओपेसिटी आपको इतनी रखने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। एंड फिर से जाना पेंसिल में डबल एक्सपोजर एंड यहाँ से एड इमेज एंड अभी आपको ऐड करना है लेंस प्लेयर का पीएनजी, ठीक है। ओके सो ये आ चुका लेंस प्लेयर का पीएनजी एंड इसे रखकर रख देना है यहाँ पर एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना एड
एंड इसकी ओपेसिटी आपको रख देना है इतनी, ठीक है। एंड फिर ऊपर से डन करना है, एंड अगेन आपको जाना है पेंसिल एंड अगेन डबल एक्सपोजर, एंड यहाँ से आपको स्नोपोल का एक पीएनजी मिल जाएगा तो उसे आपको ऐड करना है। ओके, इसको जा चुका, एंड इसको रखना है यहाँ पर आपको, इसका ब्लाइंड मोड रख देना आपको यहाँ पर डार्कन, एंड अपनी फ़ोटो के हिसाब से पूरा यहाँ पर देखने के बाद, सेट करने के बाद इसका ब्लाइंड मोड यहाँ से एड, एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी यहाँ पर कम करने के बाद ऊपर से डन कर देना है। ओके, सो अभी हमारी फ़ोटो पूरी एडिट हो चुकी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर हमारी फ़ोटो कैसी लग रही है। सो आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, फिर यहाँ डाउनलोड आइकन, डाउनलोड का आइकन पर क्लिक करके एंड यहाँ से सेव, तो यहाँ से आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, एंड व्हाट्सएप ग्रुप, एपीपी ग्रुप पे सब जगह शेयर कर दो ताकि वो भी ऐसी एडिटिंग कर पाए। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।